औरिंदम, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड से कैसे आप बैंक में अपना जो रुपया और उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, जीरो चार्जेस, कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, नया तरीका बताऊंगा। उसके साथ आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेगा, क्योंकि मैं जो ट्रिक आपको बताती हूँ उसके साथ आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाता है। रिवॉर्ड पॉइंट नहीं तो जो परसेंटेज मिलता है कैशबैक का, मान लीजिए 3%, 2% जो भी है आपका, वो भी आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ट्रिक में मैं जो आज ट्रिक बताऊंगा ना, वो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटा छोटा बात होगा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपका ट्रिक कोई काम का नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए। पहले आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उबर ऐप, आप प्ले स्टोर में जाइए, उबर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अभी बताएंगे सर आप, मेरा पिन कोड में तो उबर ऐप नहीं है, तो कोई भी बात नहीं, आपका नज़दीक में जो भी लोकेशन है उस लोकेशन के आप एक पिन कोड, मतलब कि जो बिग सिटी है उनका पिन कोड आप ले लीजिए, लेके उबर ऐप में आपका अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट करने के लिए कुछ भी नहीं लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा और आपका खुद का एक नाम जानना पड़ेगा, यही लगेगा। अगर पिन कोड अगर वहाँ पे मांगता है तो आप कोई लोग बिग सिटी का पिन कोड डालिए, आपके वहाँ पे उबर सर्विस हो ना हो कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप ओपन कीजिए, तो ओपन करने के बाद देखिए ये वाला पेज आपके पास ओपन होगा। उसके बाद देखिए अकाउंट वाला जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अकाउंट वाला ऑप्शन में आप जाइए, जाने के बाद देखिए वॉलेट एक ऑप्शन दिखाया जाएगा आपको, वॉलेट, उसमें आप क्लिक कर दीजिए। वॉलेट पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद पेटीएम का ऑप्शन आ जाएगा, उस पेटीएम में आप क्लिक करिए। उसके बाद आपको अमाउंट, अब देखिए मेरा जो पेटीएम में बैलेंस है, इसके बाद आपके पास एक पेटीएम नंबर देने के लिए एक आएगा, वो आप पेटीएम का नंबर डाल दिए, तो मेरे ऑलरेडी यहाँ पे पेटीएम जो अकाउंट है वो लिंक है, इसलिए डायरेक्ट ए वाला पेज मेरा आ गया। आपके पास वहाँ पे एक नंबर डालने के लिए बोलेंगे, मतलब कि आपके पास जो नंबर है मोबाइल नंबर है सर, वो आप डालिए और आपको एक ओटीपी आएगा पेटीएम पे, वो सबमिट कर दीजिए। उसके बाद ए वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, जितना अमाउंट आप चाहिए वो लिख लीजिए, मैं 100 किया था। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। जब नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो पेटीएम में जितना सारा आपका जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है वो सारे कुछ यहाँ पे दिखाएंगे, तो जितना भी है आप देख लीजिए यहाँ पे। तो मैंने क्या किया था, उसके बाद आधार पेमेंट मेथड, अगर आपके पास कुछ भी सिलेक्ट नहीं है तो वहाँ पे आपको कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं दिखाएंगे, तो आप सिर्फ आधार पेमेंट मेथड में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। अभी आपको चूज़ करना है क्रेडिट कार्ड, ठीक है, अभी आपको चूज़ करना है क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड को चूज़ कीजिए। क्रेडिट कार्ड जब चूज़ करेंगे तब ए वाला पेज आपका ओपन होगा एक क्रेडिट कार्ड डालने के लिए। मैं अभी यहाँ पे 1 कार्ड दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ मैं आगे वीडियो में ट्रिक बताऊँगा। 1 कार्ड मैं अभी यहाँ पे डाल रही हूँ, 1 कार्ड डालिए एक्सपायरी डेट, और कंट्री जो है ना वो इंडिया सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर इंडिया पे आप रहते हो तो इंडिया सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करने के बाद अभी देखिए, ठीक है, अभी ऐड ए वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा, रुकिए मैं अभी दिखा देती हूँ, ठीक है, हाँ ए वाला पेज आपका ओपन होगा, पेइंग 100, ठीक है, लोडिंग पेज ए पेटीएम पीजी, ए वाला आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ए मर्चेंट नेम देख लीजिए, पेटीएम, ठीक है, कैपिटल में पेटीएम लिखा हुआ आएगा, और 1 कार्ड मैं अभी आपको बताया, इसमें क्या है, स्वाइप करने के लिए बोलेंगे, मैंने ओटीपी से पेमेंट किया था तो ओटीपी डाला, उसके बाद कॉन्फर्म कर दिया तो मेरा पेमेंट हो गया, इसमें पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद मैं 1 कार्ड में जो ऐप है उसमें जाके देखाती हूँ मुझे वो मिला है कि नहीं, देखिए 2 जो उसका जो रिवॉर्ड पॉइंट होती है 2 मिल गया मुझे। ऐसे क्या किया मैंने, 1 कार्ड का जो अमाउंट था उसको मैंने कहाँ पे ले लिया, बैंक में ले लिया बिल्कुल फ्री में। अभी मैं आपको बताऊंगा 1 कार्ड से इस ट्रिक में कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसके पास 1 कार्ड क्रेडिट कार्ड है वो तो बहुत लकी है, क्योंकि उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 कार्ड में मर्चेंट नेम पेटीएम हो और कुछ भी, पेटीएम ही आती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और
काम भी आसानी से हो जाती है। आपके पास जितना भी वन कार्ड का बैलेंस है आप आसानी से इसमें ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अभी दूसरा क्रेडिट कार्ड जो ये तो है एयरटेल का ए वाला नहीं, मैं एस क्रेडिट कार्ड से किया। अभी मैं एस क्रेडिट कार्ड डाल के फिर आपको दिखाती हूँ होता है कि नहीं, क्या दिक्कत आती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो सारे कुछ अभी मैं और ट्रिक भी बताऊँगा वो देखिए। अभी फिर से देखिए, मैंने आपको बताया था अभी बैलेंस कितना है 617। पहले बैलेंस कितना था वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले 100 के पहले अब बैलेंस देख लीजिए कितना था मेरा 517, मतलब 100 मेरा ऐड हो गया। मैं लाइव प्रूफ के साथ अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे फिर से मैं 100 आपको दिखाती हूँ। अभी कहाँ से, एस से, ठीक है। दूसरा करिएगा, अगर आपके पास कोई भी बैंक वन कार्ड है तो कुछ भी नहीं, वन कार्ड है तो ऑल टाइम होगा। अगर वन कार्ड नहीं है तो क्या आती है, क्या ट्रिक करना है वो आप देखिए। अभी देखिए, अभी यहाँ पे आप बैलेंस लिखिए, उसके बाद ये सारी ऑप्शन आ जाएगा जितना भी सेव है। उसके बाद आधार पेमेंट मेथड यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक कीजिए। उसके बाद क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऑप्शन चूज़ कीजिए। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे मेरा जो है एस क्रेडिट कार्ड वो मैंने डाला। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्री सिलेक्ट करना है इंडिया, अगर इंडिया में रहते हो। अभी देखिए ऑथेंटिकेशन पेमेंट ए वाला पेज आपके पास ओपन होगा, ए वाला। तो अगर ए वाला पेज पहले ही ओपन हो जाती है तो आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर नहीं होती है तो क्या क्या आती है देखिए, ए अगर ए लिखा हुआ आती है पेटीएम पेमेंट टू बी मेड पेटीएम ऐड मनी। आपको पता है ऐड मनी वॉलेट पे ऐड मनी करने के लिए क्या देती है, क्रेडिट कार्ड वालों ने 0, एक भी रिवार्ड नहीं देंगे। तो आपको सिम काट कर देना है, जब ए आएंगे तो काट कर दीजिए, एक भी पेमेंट मत कीजिए, ठीक है। और अगर ए वाला आती है, यहाँ पे लिखा हुआ आती है 100, देखिए पहले ए वाला भी आया था। अगर यह ए वाला लेते हैं पेटीएम सीसी बिल पेमेंट, तब भी मत कीजिए, आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा, 0 रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ऐड मनी कर रही है। इसलिए अगर ए वाला ऑप्शन आती है ना, कंप्लीट योर पेमेंट ऑथेंटिकेशन पेमेंट वन टाइम पासवर्ड देने के लिए, तो आप पेमेंट कर दीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ आती है, कैशबैक मिलता है कि नहीं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। अभी देखिए बैलेंस कितना हुआ 717। उसके बाद मुझे रिवॉर्ड पॉइंट मिला है कि नहीं। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, जब वन कोड से ये ट्रिक करेंगे ना 100% सक्सेस होगा। अगर वन कोड से नहीं हो रही है, मान लीजिए वन कार्ड आपके पास नहीं है, दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांसफ़र करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे ना कुछ वेब ऐसे लिखा आ जाती है वेब इशू, ये जब लिखा आएंगे ना, तो एक ट्रिक आप आजमा लेना। तो क्या करेंगे, जो पेटीएम आपने ऐड किया था, पहले वो जो पेटीएम नंबर आपने ऐड किया ना, उसको आप फिर क्या करेंगे, उसको अनलाइक कर दीजिए, मतलब कि अनलिंक, फिर से अब वो अनलिंक कर दीजिए। उसके बाद फिर से लिंक कर दीजिए, कहाँ पे, मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि पेटीएम नंबर आएगा यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि देखिए, पहले मैंने आपको बताया था ए वाला पेज में, मैंने आपको बताया था जो पेटीएम जब आप क्लिक करेंगे इसके लिंक करने के लिए बोलेंगे। अगर वन कार्ड है तो आप ऑल टाइम कर पाएंगे, अगर दूसरा कोई कार्ड है तो जब करने के जाएंगे वहाँ पे दिखाएंगे कि वेब पेज आउट ऐसे करके एक वेबसाइट ओपन हो जाती है, जिसमें वेब पेज आउट ऐसे नहीं होगा, तब आप उसको पेटीएम को जो है या इस तरह क्लिक करेंगे तो इसे अनलाइक का ऑप्शन होगा, अनलिंक, और अनलिंक कर दीजिए। उसके बाद फिर से लिंक कर दीजिए, तो आपका आप तुरंत ये वाला पेज देखेंगे। हर वक्त ये नहीं आती है, मगर कुछ कुछ टाइम ये आती है, तो जब आप ये करेंगे ना तो वो आपका हो जाएगा। तो अभी मैंने जो एस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, इसके लिए मैंने जो आपको मर्चेंट दिखाया वही मर्चेंट यूज़ कीजिए। उसके बाद देखिए मेरा पेमेंट जो हो गया 717 बैलेंस आ गया। और उसके बाद देखिए मैंने ए वाला देखिए 100 मैंने स्पेंड किया था, और आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना उसमें दिखाएंगे 197 कम्युनिकेशन मर्चेंट है, इसलिए आपको ये जो है इसके लिए आपको कैशबैक मिलेगा। मुझे मिला है कि नहीं वो भी प्रूफ देख लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन योर 2%। आपको पता है एस क्रेडिट कार्ड के लिए वो लोग क्या देते हैं, 2%। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट बात इसमें ना, ये जो ट्रिक है इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके हर दिन आप ऐड कीजिए, मतलब कि आज अगर आपको करना है फिर पहले आप 200 नहीं तो पहले आप 200 नहीं तो उसके बाद 100 नहीं तो 500 ऐसे करके आप इसको करिए, तो आपका अच्छा सा होगा। और दूसरा उसके साथ और एक ट्रिक मैं अभी आपको बताऊँगा कि
जब इसमें वही ये जो उबर ऐप है ना, इसमें 5K भी आप 1 महीने भी कर सकते हो, उसके ज़्यादा भी कर सकते हो। कैसे? आपके पास मान लीजिए जो वॉलेट आपने ऐड किया उसमें आपने 5K कर लिया, ठीक है, उसके बाद वो जो बैलेंस है पेटीएम वॉलेट से बैंक में ले लीजिए, तो जब आप फिर से ऐड करने के लिए जाएंगे वहाँ पे बैलेंस दिखाएंगे 0, फिर से आप ऐड कर पाएंगे, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड ने ऐसे ही किया है, वॉलेट टू सॉरी क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पहले 5K ट्रांसफ़र कर लिया, उसके बाद क्योंकि देखिए मैंने वेबसाइट में भी चेकिंग किया, मैंने खुद बात भी किया था वायर ऐप से कि मैं कितना अमाउंट इसमें ऐड कर सकती हूँ, उन्होंने भी कुछ नहीं बता पाए। तो इसमें कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको 5K ही हर महीने करना है, उसके बाद ज़्यादा नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि मेरा फ्रेंड खुद उन्होंने बताया कि उनको 5K पहले किया था, उसके बाद उन्होंने पेटीएम से बैंक ट्रांसफ़र, आपको पता है पेटीएम वॉलेट से जो है उसका आप बैंक ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है, उसमें बैंक ट्रांसफ़र कर लीजिए, और अगर आप इस तरह बैंक ट्रांसफ़र कर लीजिए, उसके बाद क्या होगा, तब जब आप फिर से ऐड करने के लिए जाएंगे आपको पेटीएम जो यहाँ पे मुझे दिखाया था ना, ये जो बैलेंस यहाँ पे दिखाया था पेटीएम में, यहाँ पे आपको 0 दिखाएंगे, फिर से आपको वहाँ पे आपको 0 दिखाएंगे, फिर से आप ऐड कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसके साथ मैं आपको अभी प्रूफ दिखाऊँगा कि पेटीएम में वो मेरा आया है कि नहीं, वो भी मैं आपको, और इसके साथ इम्पॉर्टेंट बात देखिए, एक बंदा है जो मैं अभी एक ट्रिक दे दूंगा, उसके बाद ना फिर उन्होंने क्या करेंगे, एक उन्होंने पहले क्या करते हैं, पहले खुद लूट लेता है, लूट लेने के बाद आप वो क्या करती है, मुझे कहते हैं कि सर वो उस पर कॉमेंट कर देती है ओवर कैशबैक नहीं मिलता है। आप बोलिए कैशबैक की इतना जल्दी दिखाते हैं, उसको कैसे पता कैशबैक मिला है कि नहीं, उन्होंने क्या करते ओवर लिख देती है, उसमें सिर्फ आपको ना ऐसे लिख देंगे ओवर नहीं हो पा रही है ऐसे करके, और मुझे मेल लिखता है वो बंदा, मेल लिखता है कि सर ये जो ट्रिक है ये जो वीडियो है आप उसको प्राइवेट कर दीजिए, क्योंकि ये मुझे लूटना है, अगर आप ऐसे ही वीडियो दे देंगे तो सारे लोग करेंगे तो उसको वो जो कंपनी है उसको पता चल जाएगा, तो फिर तो क्लोज कर देंगे, इसके लिए आप इसको प्राइवेट कर दीजिए, ये मुझे वो मिनट मेल लिखा। तो मैंने जब प्राइवेट नहीं किया तो उन्होंने किया हर वीडियो में उन्होंने लिख लेता है कि ओवर हो गया ऐसे करके लिख देता है, क्योंकि अगर वो लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप तो वो उसका जो लिखा हुआ है कमेंट वो देख के आप ये ट्रिक नहीं आजमाएंगे, यही उनका ट्रिक है। आप मैं क्या कहती हूँ, मैं जो आपको ट्रिक दूंगा ना वो 100% वेरीफाइड है, इसलिए आप बिना टेंशन करके कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, आज मैं वीडियो कर रही हूँ और अगर आप ये ट्रिक 2 महीने 1 महीने बाद करेंगे तो वो ट्रिक तब रहेंगे कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा जब भी आप करेंगे छोटा सा एक अमाउंट ट्राई कीजिए, छोटा सा 100 नहीं तो 500 ऐसे करके पहले ट्राई कीजिए, अगर हो जाती है तो फिर बाद में ज़्यादा कर दीजिए। और भी ट्रिक है जो मैं अभी इस वीडियो के लिंक में दे दूँगा, अंत में भी वो भी मैं लिंक जो अभी काम का है वह आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। और देखिए मैंने अभी किया था 100 मैंने किया था एडेड फॉर्म, देखिए टुडे आज जो मेरा एस क्रेडिट कार्ड से मैं प्रूफ दिखा रही हूँ आपको, और मनी एडेड पेटीएम वॉलेट में मैंने किया था 100, वो एडेड फॉर्म ये 1 कार्ड से हुआ था, ठीक है, ओके थैंक यू। और एक बात, मैं क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए जो मैंने पहले वाला जो वीडियो का मैंने दिया था जिसमें आपको फ्लैट 1% मिल रहा था, अभी एक आप देखेंगे अभी आपको 2% अनलिमिटेड 2% आपको कैशबैक मिलेगा, वो वाला वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पे 2% कैशबैक मिलेगा। ओके थैंक यू।